गजनी अफगानिस्तान में गया था, बाद में महमूद शाह अब्दाली उसे लाहौर ले गया, उसको 1786 में वापस हाथी पे बिठा के पाटी हुआ महाजी सिंधिया भारत लाए और उज्जैन में महाकाल मंदिर में और आज गोपाल मंदिर में उज्जैन में आज भी वो दरवाजे विद्यमान हैं। महोदय, ये जो आप जिस स्वराज की हम बात कर रहे थे उसको विस्तृत तौर पे हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप ये देख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो चोला प्रदेश था इस वजह से यहाँ पर भी बराबर राज हुआ, जो गुर्जर प्रदेश था गुजरात वहाँ पर भी करुणा के गायकवाड़ों का राज हुआ, जो आज जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग और उत्तर हरियाणा सदर्न हरियाणा का भाग इस इलाका राज हुआ और पंजाब का जो गेप का एक सप्त सिंधु का इलाका कहते हैं जो शिवाजी का एक सप्त था कि सप्त सिंधु को आज़ाद किया गया। महोदय, ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं ये दीपमाला है जो मराठों की मंदिरों में पाई जाती है और 30 की 30 जो मराठा स्टेट्स रहे हैं जो राजधानियाँ रही है उनको रिप्रेजेंट करती है। महोदय, ये पूरी दीवार है हमने हिंदवी स्वराज की विचारधारा को समर्पित की है। हिंदवी स्वराज की विचारधारा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद जगह दे रहे हैं कि वो दलित पीड़ित शोषित वंचित और आम किसानों को किस तरीके से उठाया जाए और एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए जो इतने सालों से पूरा इसके बारे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी के बाद जब छत्रपति शाहूजी महाराज को जो औरंगजेब के कैद में थे उसके बाद उन्हें बहादुर शाह ने छोड़ा तो वो आए तो उस समय उनको बाजीराव पेशवा का जो 51 ब्राह्मण कुल से थे उनका समर्थन प्राप्त हुआ और बाजीराव ने और नेमाजी शिंदे ने उनके लिए अनेक युद्ध लड़े और मध्य प्रदेश में खासकर चाहे सिरौंजा का युद्ध और भोपाल में चाहे हैदराबाद के निज़ाम को हराना हो जो अपने आप को चाहता था कि एक दिन वो दिल्ली की लाल किले पर हैदराबाद का आसिफशाही झंडा गाड़े। महोदय, 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की शक्ति एक तरीके से खत्म हो गई क्योंकि जब कोई नहीं आया पानीपत में अहमद शाहब्दारी से लड़ने के लिए तब मराठों की 2 लाख की फौज पुणे से चल के केसरिया ध्वज लेके पानीपत में लड़ने आई और उसके अंदर सिंधिया बिरादरी के 16 लोगों ने शहादत प्राप्त की। उनमें से एक थे जो बच गए वो थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया अपने पूरे जीवन लड़खड़ाते रहे क्योंकि वो ऐसे छूटे हुए पर उनके इनका एक शब्द था कि जो मराठा साम्राज्य जैसे खत्म हो चुका है इसको फिर से खड़ा करना है, जीरो से शून्य से उसको फिर खड़ा करना है और उन्होंने वो किया। उनकी भार्या दल्दा भाई राजेंद्र सिंधिया ने अपने खुद के आभूषण बेच दिए कि आप स्वराज की सेना फिर बनाओ उसी ग्वालियर के पानीपत की गोद में। वो सेना जब बनी उन्होंने फिर दिल्ली जीता फिर लाहौर जीता, इसलिए सिंधिया दौलत को आज की गंगा जली कहा जाता है। स्वराज जनी जीजा माता, कोई भी पुरुष होता है उसके पीछे एक नारी का हाथ है ऐसा माना जाता है और महाराष्ट्र धर्म के विचार को जो संत ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम ने निकाला था जो बताया था उन्होंने उसको उन्होंने बदल दिया हिंदवी स्वराज के मंत्र में और शिवाजी को वो बहुत बचपन में ही पिला दिया। छत्रपति तारारानी भोसले, छत्रपति तारारानी भोसले मराठा साम्राज्य की महिला शक्ति रही और उसके साथ साथ उन्होंने चाहे वो तानाजी जाधव हो और संताजी घोड़फड़े हो उनके साथ मिलकर उन्होंने अनेक युद्ध लड़े औरंगजेब के खिलाफ। ये हालत हो गई कि औरंगजेब की कब्र भी आज महाराष्ट्र में खुदी हुई। महोदय, अब आप अपने सामने देख रहे हैं बैजाबाई सिंधिया को। बैजाबाई सिंधिया को बैकटू क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साहूकारी में जो एक तरीके से पुरुष प्रधान एक क्षेत्र था उसके अंदर अपना झंडा गाड़ा और गोपाल मंदिर को उज्जैन में बढ़ाए या आज जो अपना इलाहाबाद है या प्रयागराज है उसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने किया, इसलिए इनके नाम पे बाई का बाग आज भी प्रयागराज में मौजूद है। महोदय, पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शान। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की मराठा साम्राज्य की होलकर वंश जो एक गडेरिया वंश था और बड़े निचले तबके से उठा था जैसे सिंधिया कुंबी रहे ये गडेरिया रहे, इन्होंने भारत के सभी टूटे मंदिरों को उनका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया और अपनी मुंबोली भाई पाकिल हुआ महाजी सिंधिया के साथ इन्होंने अनेक जगह के साथ वो अनेक जगह बड़े होगी मराठों ने महाजी सिंधिया दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली फतेह करने के लिए। काशी में से उनकी लड़ाई हुई थी, लाल किले के पास उसका चंद्र देख सकते हैं। और लेफ्ट में उसके आप दिल्ली की लड़ाई 1771 से 1803 तक दिल्ली पे शिंदे मराठाओं पर, सिंधिया मराठाओं पर हुकूमत रही और आखिर में अंग्रेजों ने उन्हें हराया। कैसे उन्होंने दिल्ली जीती पटवर्धन की लड़ाई में मराठाओं से, सिंधियाओं से, उसका एक चित्रण आप देख सकते हैं। ऊपर मराठों की वेशभूषा दिखाई गई है और राइट साइड पे महोदय ये भीम फाड़ी घोड़ा है। हर नस्ल का भारत में, चाहे राजपूत रहे हो, चाहे वो जाट रहे हो, चाहे वो गुर्जर रहे हो, सबके घोड़े होते हैं। इस तरह भीम फाड़ी घोड़ा मराठों का घोड़ा है। कावेरी से लेकर सिंधु और गंगा से लेकर यमुना तक का पानी इस समय ने लिया है। इस वजह से और तुर्की और अरब नस्ल जो है उसको मिक्स करके एक कटु तैयार किया गया जिसका वो इनकी छाती रखेंगे, इसलिए आज भी सीरिया शिंदे की छाती कहते हैं। घोड़पड़ एक छिपकली होती है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसका प्रयास करके मराठे मुगलों के, आदिल शाहों के, निजाम शाहों के किलों में चला करते थे और इनको जो बनाया गया, इन छिपकलियों को जो रखा करते थे उन्हें घोड़पड़े कहते थे, जो मराठों का एक राजवंश होता है। तानाजी मानुसरे ने कोंढगार किला जीता छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, जो बाद में सिंहगढ़ कहलाया, इसी घोड़पड़ का यूज करके, जिसको कभी यशवंती कहते थे तानाजी मानुसरे। मराठों के अस्त्र शस्त्र और इन सब शस्त्रों के बखान से ज्यादा मैं आपको एक शस्त्र दिखाना चाहूंगा बारह, जैसे मैं आपको भारतीय बखान कर रहा था कि मराठों के पास बहुत शस्त्र थे पर अफजल खान को कैसे मारा जाए, शिवाजी महाराज के दिमाग में हमेशा से। तो उन्होंने अपने लोगों को बोला ऐसा शस्त्र बनाओ जिसको अगर मैं अंगूठी में तौर पर पहनूं तो कोई पहचान ही ना पाएगा, मैं अफजल खान को मार पाऊँ। तब अग्निपुराण आदि का प्रयोग करके उनके बारे में शाहू चंद्र। जब हम दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इन वंशज ने सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया और उसके बाद BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने भवानी तलवार हमेशा अपने लेटर पैड पे रखी, केवल इनके इंस्पिरेशन से मूक नायक को पैसे दिए और ऑल इंडिया पैक्ट क्लास कन्वेंशन की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। सरफोजी राव खंजा बोलकर एक नए चिकित्सक और एक बड़ी वैज्ञानिक व्यक्ति थे और उन्होंने 14 देशाधिपति कहलाए। उन्होंने तमिलनाडु पे राज किया, वहां पर सरस्वती महल लाइब्रेरी बनाई, उसके साथ अनेक विश्व की भाषाओं को उनको जाना। गुजरात के बड़ौदा से लेके सयाजीराव विश्वविद्यालय गुजरात उन्होंने बनाया और उसके साथ साथ सयाजीराव गांधी परिवार से आते हैं, जैसे सारे मराठी आते हैं किसान परिवार से, और उन्होंने ये दिखाया कि आपको आकांक्षा या अभिलाषाओं को दबाना नहीं चाहिए और अचीव करना चाहिए जिंदगी। महाराजा माधवराव सिंधिया, जिनको आधुनिक भारत का, आधुनिक ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है, माधव महाराज ने भारत ग्वालियर उज्जैन को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया। 170 से ज्यादा उन्होंने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, 121 से ज्यादा उन्होंने टैंक्स बनवाए। और आप ये मान सकते हैं कि माधव महाराज के समय डेमोक्रेटाइजेशन जो एक तरह से शुरू हुआ, मजलिस-ए-कानून उन्होंने बनाना शुरू किया और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले प्रो चांसलर थे। बीजेपी पीछे हो जाए। मोबाइल पीछे करो ना। बहुत पीछे हो तो मुझे ट्रेन में आया मेरा।